एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ में। और आज भी हमारा सुबह सुबह का काम स्टार्ट ये हुआ है कि आज भी हम लोग जो ये कंपोस्ट है, खाद है, इसको खुदाई का टाइम आ रहा है तो इसको खेत में डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको खेत में डाल रहे हैं और दिखाती हूँ इसको किस तरीके से हमारे खेतों में डाला जाता है। ये रहा ये पूरा जो यहाँ पर जितनी भी गोबर होती है उसको एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है खेत में एक ढेर लगा के। उसके बाद इस ढेर से इस तरीके से देखो यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे ये थोड़ा फैला दिया है क्योंकि यहीं पे था तो ऊपर ऊपर का थोड़ा यहाँ फैला दिया है। और ये यहाँ इस तरीके से फैला दिया और अभी सुनी गई है वहाँ ऊपर वाले खेत में जा रही है। तो गोबर को, जो ये गोबर होता है उसको यहाँ ऐसे डलिया में भरा जाता है, डलिया में भर के फिर यहाँ से खेत में पहुँचाया जाता है। खिले तो इस तरीके से जो ये पेड़ है कभी कभी आ जाते हैं तो आधा जो गोबर होता है वो यहीं गिर जाते हैं। तो गाइस, वहाँ हमारा घर है, वहाँ वाले खेत से लेके आ रहे हैं यहाँ वाले खेत में। और इस तरीके से पूरे खेत में ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ताकि जो है जो ये गोबर है, खाद है, ये पूरे खेत में फैल जाए। तो थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़ी थोड़ी दूर में अभी अगली जो आएगी वो उसको वहाँ डाल जाएगा, फिर जो अगली आएगी उसको वहाँ, ऐसे दो 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 में। और इस तरफ को देखो, जब उस दिन बारिश हुई थी तो हमारा भी जो ये वाला खेत है देखो कैसे था, यहाँ तक ये सब ऊपर था और ये सब ऐसे नीचे आ चुका है। तो मतलब इस तरीके से छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे खेत आ रखे हैं, तो इसका अब कुछ नहीं हो सकता, इसी को यहाँ मैदान करके नीचे वाले खेत में मिलाया जाएगा। तो गाइस, लंच हो चुका है, सारे बर्तन धुल चुके हैं और जो ये धूप है, धूप भी बस एज पे आ चुकी है, अभी धूप चला जाएगी। यहाँ पर सोनी और सूरज बैठ के खेल रहे हैं फ्री फायर और इन दोनों का ऐसा मन लगा हुआ है तगड़ा वाला। सोनी चल यार, उठा यार, दर के पार्ट पूछा। अबे यार मजा आता है। सोनी उठा, ये दर के पार्ट पूछा। अबे यार, ये बॉबी चक्कर मर गई यार। चल चल जल्दी आ, चल अपन अपन तक चली बेर हुआ, मेरे भी तेरा तक चली बेर आ गया तो मेरे भी तेरा छ। तो गाइस, मिर्ची का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है और ये हमारी एंडिंग की जो मिर्च है वो सब तोड़ के ले आए हैं। और इस मिर्च की अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अचार डाल दें। अबे इस वाली मिर्च का अचार तो डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं? मोटी वाली मिर्च होती है वो लाल मिर्च होती है जो मोटी वाली होती है। ये हरी मिर्च है तो हरी मिर्च का यही होती है। अब ये हरी है तो हरी वाली का डालेंगे ना। अबे क्यों डाली इस ये मिर्च वाली है ही नहीं, सब्जी वाली है। मैं बनाऊंगी अचार, दिक्कत क्या है? सुना, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो बता देती। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो बता देती, मेरा नंबर बुझी जुटिया करके क्यों किया? तू साफ साफ बता, तू अपनी बात तो नहीं कर रही है। लग ना ना मम्मी। तो गाइस, इन टोटल ये बात कुल अपनी ही कर रहा था, बस बातों को घुमा ली गई और इसके लिए इसने तो ये आ गया हमारे डूंगर चाचा और ये है हमारी दोस्ती इसने और हमने साथ पढ़ा था। किसका है ये? अच्छा, तो गाइस शादी के जो सीजन है वो आने वाला है, तो शादी का जो कार्ड है बटने शुरू हो चुके हैं। कब है शादी? ये है तुम्हारी 22-23। 22-23? हाँ जी, हाँ जी। यही हो रही है शादी? हाँ, या मंदिर? यही, ना यही है। अच्छा, कहाँ कहाँ बांट के आगे? कहाँ कहाँ? मैं लमखान टोक से नवाड़ा टोक, यानी कि अब मैं देवखान पहुंचा हूँ। ये दोस्त की शादी नहीं है, अलार्म है। अलार्म है ये, अलार्म है। सही है।
यार क्या लड़की की शादी है, मैं सोच रहा हूँ बराती वाला कार्ड आया है, नहीं देखता हूँ जरा। तो इस मिर्ची से मैंने जो है कुछ जो ये ऐसी मिर्चियां हैं छोटी छोटी, वो सारी मिर्ची धो के सुखा लेनी है पहले। तो चलो पहले इनको सुखा लेते हैं। मिर्च मैंने छाट लिया, अब इसको पानी से धुलते हैं। यहाँ ये मिर्ची मैंने हरी मिर्च सुखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि जो है मिर्ची का अचार है एक दिन में तो बनने वाला नहीं है, तो इसकी रेसिपी जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ देखो हमारा गौरी कैसे यहाँ सोया पड़ा है, इसको ये खिड़की बड़ी पसंद आती है क्योंकि यहाँ पर धूप आती है ना, तो यहाँ पर जो है हमारी गौरी यहाँ पर सोई रहती है। गौरी गुरिया तो यहाँ पर अम्मा जलाने लगी है। देखो जो ऐसे खेत का जो झाड़ निकलता है कूड़ा, तो उसको ऐसे साइड में इकट्ठा करके उसको जला दिया जाता है, इसी को कहते हैं अवन जलाना। और आजकल सबके खेत खाली हो रहे हैं इस तरीके से, देखो आजकल खेत में कुछ नहीं है तो सारे खेत खाली करके यहाँ पर जो है अवन जलाया जाता है, पूरे खेतों की सफाई की जाती है। वैसे ये अवन जलाने का जो ये अवन है इसको जलाने का फ़ायदा जो है शाम का, क्योंकि जब आग जलनी है तो शाम को ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पर आके आग सेक सकते हैं। तो थोड़ा वैसे भी जल नहीं रहा तो शाम को अम्मा गिरी है, शाम को जलाएंगे इसको अच्छे से। तो वहाँ पर भी अवन जला रखा है और यहाँ पर पापा थौ बना रहे हैं। थौ बनाना मतलब पेड़ की जो जड़ के चारों तरफ से इसको खोदते हैं, तो उसको कहते हैं थौ बनाना। तो खोदने से पहले सारे जो पेड़ हैं उनके नीचे थौ बनाए जा रहे हैं। तो गाइस सामने की तरफ हमारे आंगन में जो है धूप जा चुकी है, और आगे वहाँ सामने की तरफ मतलब सुबह जो है यहाँ जल्दी आ जाती है तो वहाँ लेट में आती है, तो सही है उन लोगों को। वैसे शाम को धूप ज़्यादा अच्छी होती है, सुबह सुबह तो वैसे नहीं चाहिए होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे वहाँ नहीं आती है तो शाम को क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मौंजा सो रखा है, यहाँ पर कितनी गौरी जो है खेल कर रही है। गौरिया यहाँ अम्मा सरुली परुली को गोठ बांधने लगी है इनके, और ऊपर देखो अम्मा ने छत में कितने बड़े गद्दू सुखा के रखे हैं, मतलब रखे हुए हैं, अभी शिवरात्रि में कायम आएंगे जब मीठे वाले गद्दू बनाए जाते हैं। सोनी कर रही है पढ़ाई और साथ में उसको चाय दी पीने के लिए, और ये हमारी गौरी को पसंद है बिस्किट बहुत ज़्यादा, तो बिस्किट के लिए उसके चारों तरफ घूम रही है। और जब भी गौरी इसके सामने में आती है, क्योंकि सोनी ज़्यादातर जो उसका काम होता है कोडिंग वाला होता है, तो लैपटॉप में लगी रहती है, और ये जब भी आती है इसके कोई ना कोई बटन दबा के चल जाती है, इसके ऊपर चल देती है, और उससे क्या होता है लॉक लगा जाती है बटनों में, फंक्शन की लॉक कर दिया था, यदि मैं कहूँ चल क्यों नहीं रहा गौरी। गौरी आ जल्दी जल्दी आ, यहाँ अम्मा बैठ के पी रही है चाय मस्त अदरक वाली। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर हमारे जो साइड में है हमारे घर की तरफ को धूप जा चुकी है, तो यहाँ पर अब अम्मा जो है अवन जलाने लगी है, ऐसे जगह जगह पर ढेर लगा रखा है, तो फिर इसको जला रही है। झाड़नी से जितना भी कूड़ा आ रहा है घास वाला, तो अम्मा सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसके ऊपर डाल रही है ताकि वह आराम से जल जाए। तस क्या करना खरना तस क्या पड़ना।
तो एक वहाँ और एक यहाँ, तो दो जगह पे अवन जल रहा है। अम्मा ऊपर के खेत साफ कर रही है, वहाँ पर भी ऐसे ही कूड़ा निकलेगा सारा जितना हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग इस तरीके से लास्ट में जब खेत खाली करने की बारी आती है तो इनको हम इस तरीके से जलाते हैं। और इस टाइम पे सही रहता है क्योंकि शाम के टाइम पे जलाने में फ़ायदा है क्योंकि थोड़ी ठंड भी कम हो जाती है, आग आराम से सेकी जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़िया से जल रही है। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पहाड़ों में खेतों की सफाई होती है कि पहले जब लास्ट ईयर जाड़ों का सीज़न होता है, जाड़ों के सीज़न में जब खेत, अब जब खेत खाली होंगे ना, खोदने का टाइम आ रहा है। अब तक क्या हो रहा था कि खेत में मक्का लगा रखी थी, दालें लगा रखी थी, सीमी लगा रखी थी, जो बहुत कुछ लगा रही थी, तो अब वो चीज़ उसका सीज़न चले गया। तो अब मटर का सीज़न आने वाला है, तो मटर के लिए अब सारे खेत खाली किए जा रहे हैं और उसके बाद इनकी खुदाई होगी। और यहाँ पीछे देखो, पापा ने सारे खेतों के नीचे थौ बना दिए। थौ मतलब कि इतनी जगह जो होती है ना पेड़ की गोल वाली, इतनी एरिया जो है पेड़ के चारों तरफ, यहाँ भी यहाँ भी, तो इतनी जगह जो है ये खोद ली जाती है। क्योंकि यहाँ ये इसलिए खोद जाती है, वैसे जनरली ये खोद ही जाती है, अगर तुम हाथ से खुदाई करते हो तब ये खोदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तुम हाथ से खोद रहे हो तो इसको उसी टाइम पर खोद सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रैक्टर से खुदाई करने वाले हैं। तो ट्रैक्टर क्या करेगा, क्योंकि उसकी जो आगे की जो पंजे हैं जिस चीज़ से वो खोदता है लोहे वाला, तो वो थोड़े गहरे होंगे, तो क्या पता इनकी जड़ टूट जाएगी, पेड़ों की जो जड़ साइड से निकली होगी ना वो टूट जाएगी। हाँ, तो वो उस जड़ को कटने से बचाने के लिए ये थौ बनाए जाते हैं, क्योंकि अब जब ट्रैक्टर चलेगा तो वो इस एरिया तक चलेगा, वो पेड़ की जड़ तक नहीं पहुँचेगा, तो इसीलिए थौ बनाया जाता। तो गाइस बच चुके हैं शाम के 3:50 और अभी जो है ठंड और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सामने वालों के यहाँ तो धूप है, हमारे वहाँ नहीं है। तो मैं टोपी सॉक्स निकाल के पैक हो चुकी हूँ अब, और साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करती हूँ अब, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले का और शाम के 4 बजे के बाद का जो टाइम शेड्यूल है ना डे का, तो वो काफ़ी टाइट रहता है पहाड़ों में। तो फिर चलो करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ में फिर, तब तक के लिए बाय।